दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मौर्य किचन अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे टू पोल 24 वाट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का 1 से 3 में कनेक्शन डायग्राम के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों तो नए भाइयों के लिए वीडियो बहुत खास होगी, तो नए भाई वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और कनेक्शन को समझें। मोटर वाइंडिंग में दोस्तों कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम आपके सामने है स्क्रीन पर। तो इस वीडियो में हमने जो है फर्राटा फैन का उदाहरण लिया है, टू पोल 2800 RPM। तो इसमें हम 1 से 3 में कनेक्शन कैसे करेंगे मोटर भरने के बाद, उसी को देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये 24 वाट की मोटर है, हमने इसको इसमें रनिंग कॉइल इंस्टॉल कर दिया है। ये रनिंग की पहली कॉइल है, ये रनिंग की दूसरी कॉइल है दोस्तों, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। शुरुआत कहाँ से है, यहाँ से हमने शुरू किया है दोस्तों, ये 1 से 8 में, फिर ये 1 से 10 में, फिर ये 1 से 12 में दोस्तों। ये एक पोल की वाइंडिंग हो गई। तो ये सिरा जो आप देख रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत किया बाईं तरफ, हमारे बाएं हाथ की तरफ रहेगा, इसको हम स्टार्ट सिरा या इनर सिरा कहेंगे। और ये छोटी से छोटी कॉइल से निकला हुआ दोस्तों, 3 कॉइलों का एक सेट पड़ता है इसमें टू पोल में फर्राटा में। जो बड़ी से बड़ी कॉइल से निकला हुआ दोस्तों वायर, ये आउटर वायर हुआ, ठीक है दोस्तों। इसको हम टॉप भी कहते हैं, इसको बॉटम भी कहते हैं, या स्टार्ट इंड इस तरह से भी कह लिया जाता है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे दोस्तों ये हमारा इनर वायर है बाएं हाथ की तरफ, और ये जो दाहिने हाथ की तरफ बड़ी से बड़ी कॉइल से निकला हुआ है ये आउटर वायर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने ये तीनों कॉइलों को जो एक माला कॉइल के रूप में बनाए थे इसको हमने भर दिया है। तो दूसरी कॉइल कैसे भरेंगे, तो दोस्तों मोटर को क्लॉकवाइज हम घुमा लेंगे, देख रहे हैं मोटर को, मान लीजिए मोटर है, इसको हम पूरा घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, इस तरह से हमने दोस्तों घुमा लिया इसको। अब हम दूसरी कॉइल इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, 1 से 8 बिल्कुल इसी की तरह, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये हमारा छोटी से छोटी कॉइल से निकला हुआ स्टार्ट सिरा है यानी कि इनर वायर, इसको भी हमें दोस्तों बाएं हाथ की तरफ ही रखना है, जैसे हमने पहली कॉइल में इसको रखा था। तो बाएं हाथ की तरफ ही हमारा इनर हो गया, छोटी से छोटी कॉइल से निकला हुआ जो सिरा है, और ये दोस्तों बड़ी से बड़ी कॉइल से निकला हुआ जो सिरा है ये आउटर वायर हुआ, यानी कि इनर ये आउटर, यानी कि टॉप ये बॉटम, या इसको कह लीजिए स्टार्टिंग सिरा, इसको एंडिंग सिरा। तो इस तरह से दोस्तों 4 वायर हो गए, इनर आउटर इनर आउटर। तो हम इसको 2 कॉइलों को एक में कैसे जोड़ेंगे, यानी कि 1 से 3 में कनेक्शन यहीं पे करना पड़ता है, तो कनेक्शन को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ये जो आप पहली कॉइल जो हमने भरा है यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये हमारा छोटी कॉइल से निकला हुआ सिरा है स्टार्ट सिरा इनर वायर बाएं हाथ की तरफ। तो हम काउंट कैसे करना दोस्तों, इसको पहले वायर को छोड़ देना जो छोटी से छोटी कॉइल से निकला हुआ है, यानी कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी पहला सिरा, इस बड़ी से बड़ी कॉइल का जो आउटर सिरा है दोस्तों इसको हमको यहाँ से गिनती करना है। तो इसको हम 1 मानेंगे, 1 इसको छोड़ दिया जाएगा दोस्तों कनेक्शन के लिए, 1 हो गया। फिर दोस्तों हम इधर बढ़ेंगे, इस दिशा में हमको बढ़ना है, ये देख रहे हैं दोस्तों ये बाएं हाथ की तरफ है, ये दाहिने हाथ की तरफ हम बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, ये हुआ 2, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में ये नंबर 2 वायर हो गया,
और ये हो गया 3, यानी कि दोस्तों पहली कॉइल का जो आउटर है यहाँ से एक पहला हुआ एक, ये दूसरी कॉइल का इनर वाला 2 हुआ, तीसरी कॉइल का सॉरी दूसरी कॉइल का जो आउटर है ये नंबर 3 हुआ दोस्तों, यानी कि 1 से 3, इसको हम 1, 2, 3, यानी कि दोस्तों ये सामने से सामने सामने वाला हुआ आउटर, ये सामने वाला आउटर मतलब पहली कॉइल का बड़ी से बड़ी कॉइल से निकला हुआ आउटर दोस्तों, और दूसरी कॉइल का बड़ी से बड़ी कॉइल से निकला हुआ आउटर, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यही 1 से 3 में कनेक्शन हो गया। तो देखिए ऐसे जुड़ जाएगा, ये 1 से 3 एक हो गया, ये हुआ 2, फिर ये हुआ आपका 3, तो यहाँ आके दोस्तों जुड़ गया, ये हो गया रनिंग का कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। अब बचा क्या, ये हमारा पहली कॉइल से इनर वायर एक बच गया और दूसरी कॉइल से ये इनर वायर बच गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि कनेक्शन हम इस तरह से किए हैं, यहाँ से गिनती होगा 1, 2, 3, 1 से 3 में जोड़ दिए, 1 से 3 में आउटर टू आउटर, यानी कि पहली कॉइल का आउटर और दूसरी कॉइल के आउटर को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, यही 1 से 3 में कनेक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं स्टार्टिंग की तरफ। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल हो गया है, अब 1 से 3 कनेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने शुरू किया स्टार्टिंग कॉइल को, 1 से 8, फिर 1 से 10, फिर 1 से 12, ये हमारा इनर वायर बाएं हाथ की तरफ है, ये बड़ी से बड़ी कॉइल से निकला हुआ आउटर वायर है दाहिने हाथ की तरफ है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह हमने फिर इसको क्लॉक वाइज घुमा के इस तरह से फिर स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल को भरना शुरू किया, बाएं हाथ की तरफ फिर रखेंगे दोस्तों वही इनर वायर, ठीक है। 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, छोटी से छोटी कॉइल से हमारा शुरुआती वायर है इनर वायर, और बड़ी से बड़ी कॉइल से जो बाहर हुआ है आउटर वायर उसको कहेंगे। तो हमको 1 से 3 कनेक्शन इसमें कैसे करना दोस्तों, बहुत ही आसान है, जैसे हम रनिंग का किए थे बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। अब इसको पहले इनर वायर को छोड़ देंगे जो हमने पहली कॉइल डाली है ये वाली, इसको छोड़ के गिनती करेंगे, तो पहली कॉइल का आउटर वायर ये 1 हुआ दोस्तों 1, ये इनर वायर 2, ये आउटर वायर 3, तो 1 से 3 में हमको दोस्तों जोड़ देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 से 3 में ये जा रहा है, देखिए ये कनेक्शन हो गया, देख रहे हैं दोस्तों 1 से 3 का कनेक्शन हो गया, स्टार्टिंग का भी, इसमें भी दोस्तों एक वायर ये, एक वायर ये, 2 वायर बाहर हो गए, 4 वायर हो गए हमारे इनर 2 वायर स्टार्टिंग में और इनर 2 वायर रनिंग में बाहर हो गया, 4 वायर होता है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। तो इसी में हम कनेक्शन बना लेते हैं बाद में दोस्तों। तो इस तरह होता है 1 से 3 में कनेक्शन, ये 2 पोल पे हमने बताया था। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मोटर वाइंडिंग स्किल डेवलपमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।